श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। श्री केदारेश्वर महाराज की जय। विश्वेश्वर महादेव की जय। गुरुदेव महाराज की जय। व्यास पीठ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महर्षि व्यास महाराज की जय। श्री राधा गोविंद की जय। सतगुरुनाथ महाराज की जय। देवाधिदेव महाराज की जय। महादेवाधिदेव गणपति पुत्र की जय। ओम गजानन भूतगणाभिसेवितं कपितजन्मफलसारभक्षितं आसुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेशपारपादपङ्कजम्। उमापतिः महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय देवी महालक्ष्मी महापतिः की जय। नीलांबरधराशूलधरा कीर्ती प्रदस्तिस्तिस्त्रासकर सशस्त्र चतुर्भुजो सूर्यसुत प्रशान्तः सदास्तु महं वरदोऽल्पगामी। ओम नीलांजनाशमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। ॐ शन्नो देवी रविष्टभ्ये आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविस्त्रवन्तु ने। ॐ शन् शनेश्वराय नमः। ॐ शन् शनेश्वराय नमः। देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके काशी विश्वनाथ और प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके मैं इस व्यास पीठ से आज भगवान शनिदेव का परिचय और उनकी कथा प्रारंभ करूंगा कि शनिदेव किस प्रकार से, और आप सब उन्हीं से मैं समझता हूं कि भली बात ही परिचित होंगे कि शनिदेव कौन है। वो न्यायाधीश हैं और कलयुग में उनका प्रचंड बोलबाला है। और भगवान शनिदेव जो देवाधिदेव महादेव के शिष्य हैं और देवाधिदेव महादेव उनके गुरु हैं, तो उनसे जुड़ी संबंधित शास्त्रों में जो कथाएं प्रदत्त हैं, जो कथाएं उनसे जुड़ी हुई कही गई हैं, या शनिदेव से संबंधित जिस भी प्रकार की पूजन पद्धति आदि बताई गई है, मैं इस दिवस ये कथा में उसका वर्णन करूंगा और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझें। ओम जो निरंकार, ओम की जो ज्योति है जो निरंतर हमारे अंदर जलती है, जो निरंकार परमात्मा का स्वरूप है वह ओम है। तो थोड़े समय के लिए ओम का जाप करके अपने चक्रों को, जो हमारे चक्र हैं नाड़ियां हैं, उनको सबको एक सीध में लगाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले कुछ सेकंडों के लिए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
शनिदेव के जो पिता हैं, आप जैसा कि सभी लोग समझ जानते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि शनिदेव के जो पिता हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं, और जो उनकी माता हैं शनिदेव की वो छाया देवी हैं, अर्थात सुवर्णा भी उनको कहा जाता है, वह उनकी माता हैं। शनिदेव के जो भाई हैं वो विशेषतः यमराज को माना गया कि यमराज जो है उनके भ्राता हैं, उनकी बहन जो है वो यमुना है, शनिदेव जो है उनके जो गुरु हैं, शनिदेव के गुरु भगवान शिवशंकर हैं, जो शनिदेव का स्थान शास्त्रों में वर्णित है वह सौराष्ट्र जो कि गुजरात प्रांत में पड़ता है, गुजरात प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर शनिदेव का जन्म सौराष्ट्र में कहा गया है। और शनिदेव का जो गोत्र है वह कश्यप गोत्र है। कश्यप गोत्र शनिदेव का इसलिए है क्योंकि सूर्य देव का जो गोत्र है वह कश्यप है, क्योंकि ये सब कश्यप ऋषि की संतानें थीं, उनका गोत्र कश्यप है, इस कारण से शनिदेव का गोत्र भी कश्यप है। शनिदेव का जो रंग है वो श्याम वर्ण कहा गया है, और कहीं कहीं शास्त्रों में उनको काला भी कहा गया है कि उनका रंग श्याम है, अत्यधिक काला है और बहुत ही डार्क कलर उनका बताया गया है। शनि भगवान का जो स्वभाव है, उनका स्वभाव जो है वो त्यागी है, तपस्वी है, वैरागी है, और मंद गति से क्रोधी भी है, गंभीर भी, और मंद गति से चलने वाला शनेश्वर है, इसलिए इनको शनेश्वर कहा गया है। क्योंकि शनि अर्थार्थ, संस्कृत में शनि का अर्थ होता है शनि अर्थार्थ धीरे धीरे, चर अर्थार्थ चलने वाला, तो शनेश्वर का अर्थ हुआ धीरे धीरे चलने वाला। तो शनिदेव का जो स्वभाव है वह त्यागी है, तपस्वी है, दृष्टि है, क्रोधी है, गंभीर है, स्पष्ट भाषी आदि, ये शनिदेव के स्वभाव है। जो इनके मित्र कहे गए हैं वह मित्र में इनके बालाजी, हनुमान जी और भैरव और राहु, ये शनि भगवान के परम मित्र हैं, जो सदैव इनकी एक आवाज पर, एक वाणी पर सदैव इनके लिए तैयार। जो शनिदेव के जो विपुल नाम कहे गए हैं, मतलब अन्यथा में जो अन्यथा इनके नाम कहे गए हैं शनिदेव के, उसमें छाया सूत्र सूर्य पुत्र कुणस्थ पिंगलो प्रभु रुद्रांतक सौरी शनिश्वर कृष्णमंद और कृष्णु। कृष्णमंद भी इन्हें कहा गया क्योंकि शनि भगवान जो है वो कृष्ण भगवान के बहुत करीबी रहे हैं, क्योंकि शनिदेव सदैव कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे, और शनिदेव के जो इष्ट हैं वह भगवान कृष्ण है। जो इनके ग्रहेश्वर जो है शनिदेव, ग्रहेश्वर की संज्ञा शनिश्वर को शास्त्रों में दी गई है, तो जो ग्रहेश्वर के जो मित्र हैं वो शुक्र गुरु राहु बुध, ये सब शनिश्वर के इनको मित्र बताया गया है। और मित्र राशियां इनके लिए कौन कौन सी हैं, वृषभ मिथुन कन्या तुला, और प्रिय राशि जो इनकी स्वयं की राशि है, वो इनकी राशि स्वयं भी कही गई है, वो मकर और कुंभ है। इनके जो प्रिय नक्षत्र हैं पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपदा, ये जो नक्षत्र हैं ये शनिदेव के प्रिय नक्षत्र हैं, ग्रहेश्वर शनिदेव के प्रिय नक्षत्र हैं। और शनि की जो उच्च राशि है जहाँ पर ये उच्च कर्क होकर के विराजमान होते हैं वह तुला राशि है, लेकिन उसमें एक वह ज्योतिषीय का एक पार्ट है, ज्योतिषी खंड का एक पार्ट है, उसमें शनिदेव की जो राशि बता, जो कला बताई गई है कि शनिदेव 20 अंश तक ही तुला राशि में उच्च होते हैं, उसके बाद उच्च नहीं होते। खैर छोड़िए, ये सब शनि ज्योतिष के अंदर सब बातें आएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं शनि कथा का श्रवण कर रहा हूँ। और शनि से संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, जैसे पेट्रोल, केमिकल संबंधित कार्य हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कार्य, इस्पात उद्योग, लोहा तिल तेल उड़द आदि जो भी संबंधित कार्य है भगवान शनिदेव को, यहाँ तक कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो रीइन्फोर्समेंट जो सामान प्रयोग होते हैं, जैसे सरिया सीमेंट इत्यादि, वो भी शनि से संबंधित है। तो आइए फिर शनिदेव की कथा को आगे बढ़ाते हैं कि वैदुर्य कांति रमल प्रजनाम वाणा तसी कुसुम वर्ण विवाह शरद न्यापी वन भुव गच्छति तत्सवर्णाभि सूर्यात्मजा अव्यतिति मुनि प्रवादः। इसका अर्थ है कि शनि ग्रह वैदुर्य रत्न अर्थात वाण जो फूल है, वाण फूल है या अलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होता है तो उस समय प्रजा के लिए शुभ फल देता है, यानी कि जब शनिदेव स्वयं वाण फूल के समान जब चमकते हैं तो प्रजा को बहुत अच्छे फल देते हैं। ये अन्य वर्णों को प्रकाश देता है, अन्य वर्ण जो है उनको भी प्रकाश में कर देते हैं, तो उच्च वर्णों को समाप्त करता है, ऐसा मैं नहीं है, ऐसा ऋषि महात्मा। तो आदित्य
मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, तपन, सप्ताशवाहन, गब, गबस्थिहस्त और सर्वदेव नमस्कार, ये भगवान सूर्यदेव के लिए संज्ञा कही गई। ये भगवान सूर्यदेव के नाम है जो शनिदेव के पिता है। और एक मंत्र में कहा गया है, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्वरम। छाया और सूर्य के पुत्र, हम आपको अपनी सत्ता भेंट करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। तो बोलिए, शनिदेव महाराज की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। शनिदेव की जो माया है वो बहुत निराली है, शनिदेव की जो कथाएं हैं वह भी बहुत अद्भुत हैं, बहुत निराली हैं, और शनि से संबंधित जो भी कार्य हैं वह भी बहुत अत्यधिक धन प्राप्त करने वाले हैं, बहुत अत्यधिक धन देने वाले हैं, क्योंकि वह सब कार्य भगवान शनिदेव से ही संबंधित हैं। और शनि जब भी अपनी राशि में आकर के भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको बहुत कुछ धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, उसको बहुत सारी शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं, उसको धन भी प्रदान करते हैं, ऐसी शनिदेव की महिमा बताएं। तो आज जो प्रथम दिवस हम शनि भगवान का प्रारंभ करते हैं, उसमें देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं, आदित्य मार्तंड जो भगवान सूर्यदेव है उनको प्रणाम करते हैं, साक्षात अंदर प्रणाम करते हैं, शनिश्वर ग्रहेश्वर को प्रणाम करते हैं, और शनि भगवान का ध्यान करके उनको नमस्कार करके हम कथा का प्रारंभ करते हैं। नीलांबर शूलधरा कीर्ति ग्रदस्तिस्तकार सशस्त्र चतुर्भुजो सूर्य सुत प्रशांतः सदास्तु महामवर्धो अल्पगामी। शनिदेव का जो गायत्री मंत्र है, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्यो सौरी प्रचोदयात्। और शनिदेव का जो पुराणोक्त मंत्र है जो पुराणों में दिया गया है, ओम सूर्य पुत्र दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा हर तू मे शनि। फिर जो वेद व्यास जी ने शनि भगवान का मंत्र दिया है वो क्या है, ओम नीलांजन समावाशम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया महातंड संभूतम तम नमामि शनिश्वरम। ये मंत्र भी कथा में आगे आएंगे, और किस किस ने, किस किस ऋषि मुनि ने इन मंत्रों का निर्माण किया है वह मैं आपको सब कथा वाचक अवश्य आगे बताऊंगा। अब जो कथा प्रारंभ करते हैं वो कथा प्रारंभ करते हैं कि जो पिपलाद ऋषि थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा शनिदेव भगवान के ऊपर, शनिदेव के ऊपर कवच स्तोत्र और शनि पीड़ा से बचने के जो यजन प्राप्त किए हैं, यानी कि यंत्र मंत्र और तंत्र जो सबसे ज्यादा प्रतित्व प्रदान किए हैं, वो पिपलाद। अब पिपलाद कौन है, इससे भी एक संबंधित जुड़ी हुई एक कथा है कि पिपलाद कौन है और पिपलाद ने क्यों, आखिरकार क्यों शनिदेव को चुना और उनके लिए सबसे ज्यादा कवच स्तोत्र आदि का निर्माण किया ताकि भविष्य में जो प्रजाजन है वह शनि पीड़ा से बच सके। अब प्रथम सवाल मेरे दिमाग में ये उठता है कि आखिरकार शनिदेव से संबंधित जो शब्द है पीड़ा, वो क्यों जोड़ा गया है कि शनिदेव पीड़ा ही देने वाले हैं, शनिदेव क्या सुख शांति देने वाले नहीं है। जब आप शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे, जो पार्वती देवी के आग्रह पर भगवान स्वयं शिव ने, देवाधिदेव महादेव ने, जो शिव शंभु हैं उन्होंने पार्वती माता के आग्रह करने पर शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का आग्रह किया कि हे देवाधिदेव महादेव, जो सृष्टि में जो प्रजा है, जो पृथ्वी है, जो मृत्यु लोक है, वहां पर अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु और जो समय से पूर्व जितनी भी मृत्यु है, चाहे वो अल्पगामी मृत्यु हो, अल्प मृत्यु हो, या फिर जो भी दीर्घायु को प्राप्त होने के बाद भी अल्प मृत्यु को प्राप्त होता है या अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, उससे बचने का क्या उपाय है और उसका कारण क्या है। तो देवाधिदेव महादेव स्वयं शंभु से बोलते हैं कि देवी पार्वती, प्रिय देवी पार्वती, ध्यान से इस शनि महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र को सुनिए। अतः जो महाकाल है, मृत्यु को हरने वाले हैं, अल्प मृत्यु अकाल मृत्यु को हरने वाले हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं मेरे भगवान शनिदेव।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा देवादिदेव महादेव कह रहे हैं पार्वती माता से। और पार्वती माता जब जन कल्याण के लिए आग्रह करती है भगवान शिव से कि हे देवादिदेव महादेव, इस संकट से उबारने का कोई रास्ता बताइए, कोई ऐसा सूत्र बताइए ताकि प्रजा जो है वो इन सब से बच सके, अकाल मृत्यु से अल्प मृत्यु से बच सके। तो देवादिदेव महादेव बहुत अत्यंत ग्रहण चिंतन करने के उपरांत माँ पार्वती से बोलते हैं कि हे देवी, महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र में आपको जो बता रहा हूं वो बहुत ही गुण है और हर मनुष्य को बताने योग्य है। अगर इस गुप्त तंत्र को, इस गुप्त स्तोत्र को देवी आप अपने तक सीमित रखें तो मैं इसका आपको श्रवण करूंगा, और यथाशीघ्र बहुत ही आवश्यकता होने पर अगर आप इसका वर्णन किसी योग्य मनुष्य अथवा योग्य ऋषि या मुनि को अगर इसका करेंगे तो मुझे अति प्रसन्नता हो। तो मैं आगे भी शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का एक प्रयोग शनि कथा में बताऊंगा कि किस प्रकार आप अल्प मृत्यु से, रोग से, शत्रु से, शत्रु विमर्दन से किस प्रकार से बच सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ मात्र एक उपाय है, देवादिदेव महादेव ने जो शनि भगवान के लिए माँ पार्वती के आग्रह पर शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ बताया है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो उस स्तोत्र में 100 श्लोक दिए गए हैं, उनमें से एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव का संबंध पीड़ा से ही क्यों जुड़ा। उसमें भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव बोलते हैं क्या, मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम। मतलब उस स्तोत्र के अंदर जो अध्याय है उसमें स्वयं शंभु जो है महाकाल मृत्युंजय शनि भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके विषय में बताते हैं। तो एक जो श्लोक है मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें क्या बोलते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनेश्वरम। काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनेश्वरम। अर्थात इसका अर्थ हुआ काल रूपेण संसारम, काल के समान काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम, मतलब काल के समान आप इस संसार का भक्षण करने वाले हैं, ऐसे महाग्रह मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले महाकाल शनिदेव को प्रणाम करता। काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनेश्वरम। इस श्लोक में कहा गया है कि जो संसार को काल के समान, पूरे संसार काल का, काल के समान संसार का भक्षण करने वाले भगवान शनिदेव हैं जो भक्षण करते हैं और पृथ्वी को, मृत्यु लोक को संतुलित बनाए रखते हैं, वह मृत्युंजय महाकाल शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन माँ पार्वती जो देवी स्वरूपी हैं उनको सदैव अपने प्रजा की और देव की, देवल्यों की और जो देवतुल्य हैं उनकी चिंता सदैव सताती है, और वह देवादिदेव महादेव से अनंग कोई भी श्लोक और उपचार या उपाय पूछती रहती है ताकि जन कल्याण हो सके। तो मैंने आपको बताया कि शनि महामृत्युंजय स्तोत्र जो है वो आगे कथा में आएगा और वह बल ही बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। देवादिदेव महादेव ने स्वयं उसका वर्णन किया है। ये जो श्लोक मैंने आपको बताया ये मैं अपनी अपनी तरफ से या कुछ भी मनगणन कथाएं आपको नहीं सुनाऊंगा कहीं से कहीं तक भी। जो शास्त्र संबंधित चीजें हैं शनि के प्रति शास्त्रों में और पुराणों में लिखी गई हैं उन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के विषय में मैं आपको बताऊं। तो मैं बात ये बता रहा था कि शनि देव से पीड़ा शब्द क्यों जोड़ा गया है, शनि देव ने पीड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने जैसा कि इस श्लोक में भी सुना काल रूपेण संसारम भक्षयंतम महाग्रहम, मतलब काल के समान आप भक्षण करते हैं संसार का, और ऐसे महाग्रह को, ऐसे महाग्रह मृत्युंजय शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्वयं भगवान शिव देवादिदेव महादेव पार्वती देवी के आग्रह। तो पीड़ा शब्द शनिदेव के लिए प्रति क्यों आया कि शनिदेव जो है वह सदैव न्याय के देवता हैं, और न्याय देने के साथ साथ पृथ्वी को संतुलित करना और जिससे कि पृथ्वी बैलेंस ना बिगड़े, पृथ्वी और जो आपकी सृष्टि है
जो देवादिदेव महादेव ने और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो सृष्टि की संरचना की है, वह सृष्टि सदैव संतुलित रहे और संतुलन में कोई भी चीज का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, या कोई भी चीज ऐसी जो लगता हो कि पृथ्वी पर असंख्य संख्याओं में बढ़ रही है और उससे पृथ्वी को और सृष्टि को कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, तो देवादिदेव महादेव ने शनिदेव को भी यही कार्य न्याय के साथ साथ यह कार्य भी सौंपा है कि आप सृष्टि को संतुलित भी करें और जो उदंडता करें, पाप करें और इस सृष्टि के अनुकूल कोई भी कार्य ना करें, सदैव इसके प्रतिकूल जो कार्य करें, इसके विरुद्ध में, जो पृथ्वी के विरुद्ध में, सृष्टि के विरुद्ध में, भ्रष्टा ब्रह्मा विष्णु महेश के विरुद्ध में जो भी कार्य करेंगे, उसको दंड भगवान शनिदेव को देने का ही प्रदान किया गया है। ये कार्यभार भी भगवान शनिदेव को ही सौंपा गया। इसकी कथाएं भी आगे आगे आएंगी कि क्यों देवादिदेव महादेव ने शनिदेव को ये सब जिम्मेदारियां दी, क्यों कहा गया ऐसा कि देवादिदेव महादेव ने ये जिम्मेदारी भगवान शनिदेव को सूर्यदेव के विशेष आग्रह पर ये सब जिम्मेदारियां दी, और शनिदेव दंडाधिकारी कैसे बने, ये कथाएं भी आगे आएंगी कि क्यों कैसे क्या हुआ और शनिदेव ने भगवान देवादिदेव महादेव को क्यों अपना गुरु स्वीकार किया, ये सब कथाएं अधिक आगे आएंगी और भगवान शनिदेव कृपा आप सब पर बनाएंगे कि ये कथा सुनने के माध्यम से आज इस व्यासपीठ से जो भी कोई भक्त भगवान शनिदेव की ये कथा सुन ले और शनिदेव से संबंधित बताए गए नियमों को ध्यान कर ले और उस विधिवत तरीके से अगर शनिदेव की पूजा करे, तो मैं नहीं समझता कि उसको शनिदेव कभी भी दंडे सकते। इस व्यासपीठ से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सदैव शनिदेव के दंड से ही बचाया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और मैंने देखा भी अपने अनुभव में कि लोगों की सदैव मानसिकता क्या है कि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, दंड देंगे, परेशान करेंगे। भाई शनि भगवान कोई, उनके दिमाग में कुछ परेशानी नहीं है कि वो आपको सदैव दंडित करेंगे। आप अपने कर्मों का हिसाब देखिए कि आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेंगे। आपने जो अभी तक कर्म किए हैं उसमें शनिदेव जब आपकी पूरी चीजों को पढ़ेंगे, आपके पुराने कर्मों को उठा करके देखेंगे, तो उसमें जो सत्यता पाई जाएगी उसके अनुसार आपको फल की भी प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि आपको दंड प्राप्त हो, आपको सत्यता भी प्राप्त हो सकती है, आपको अनुकूल फल भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे पुराने समय में कर्म किए होंगे या भाई स्वयं इसी जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हों जो माफी योग्य ना हो, तो शनिदेव आपको दंडित भी कर सकते हैं। और उस दंड में जब आपको दंड प्रदत्त होता है, आपको दंड मिलता है, तो बोलते हैं कि शनिदेव तो बहुत खराब है, मुझे तो शनिदेव ने दंड दे दिया, मेरे जीवन में तो परेशानियां बढ़ा दी, जब से मेरे को शनि लगा है मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम हो गई। इसमें दोष शनिदेव को मत दीजिए, आप अपने कर्मों को देखिए कि आपने जो कर्म किए हैं वह कर्म शनि के प्रदत्त है या नहीं, सृष्टि के अनुकूल है या नहीं। आपने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया कि जो इस ब्रह्मा विष्णु सृष्टि की संरचना की है, आपने उस सृष्टि की संरचना में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं की, उस सृष्टि के बंधन को तोड़ने का प्रयास तो नहीं किया, तो शनिदेव आपके समक्ष आएंगे काल चक्र में, जब भी आपकी राशि में आएंगे आपसे उसका फल लेंगे और आपको दंडित करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न क्या वो दंडित करेंगे ही करेंगे। तो शनिदेव के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो आपको मिटानी होंगी और समझना होगा कि शनिदेव की पूजा पद्धति, उनका जो पूजा का अनुष्ठान है, या फिर उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कथाएं मैं आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। तो आते हैं हम फिर से वहीं अपने वापस कि जो पिपलाद ऋषि थे, पिपलाद ऋषि ने शनि भगवान के प्रति इतने ज्यादा श्लोक मंत्र और उनसे संबंधित कार्य किए। देखिए ददीची जो एक ऋषि थे, ददीची ऋषि थे और उनकी पत्नी जो गविस्तवनी थी, गविस्तवनी और ददीची ऋषि जंगल बिहार में बहुत प्रेम से और पूरे शाश्वत तरीके से सृष्टि के नियमानुसार भजन यजन और यज्ञ हवन करते हुए सृष्टि पर समय प्रतीत कर रहे थे। तो एक समय क्या हुआ कि देवताओं ने असुरों को युद्ध में पराजित किया और युद्ध जीतने के बाद जब सारे देवताओं को उन्होंने हरा दिया और युद्ध जीतने के बाद वह जब पहुंचे तो देवताओं ने आपस में वार्तालाप किया, आपस में डिस्कशन किया कि हम देवताओं ने असुरों को हरा दिया है और हमने जो उन पर विजय पाई है, तो ये जो विजय पाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वह हमारे
बाहुबलों को और हमारे शस्त्र अस्त्रों को है कि हमने इन शस्त्रों के माध्यम से असुरों पर विजय पाई। अब देवताओं की यह चिंता लगातार खाई जा रही थी कि ये अपने शस्त्र हम कहाँ पर छुपाए। तो देवताओं के मन में विचार आया कि दधीचि ही एक ऐसे ऋषि हैं और उनका आश्रम ऐसी सुरक्षित जगह है जहां पर हम ये अस्त्र छुपा सकते हैं और हमें नहीं लगता कि कोई भी उस आश्रम में जाकर के असुर जो है वो हमारे शस्त्रों को चुरा। दधीचि ऋषि के पास समस्त देवी देवता जो है वो पहुंचे और पहुंचने के उपरांत उन्होंने दधीचि से प्रार्थना की कि हे मुनेश्वर, आप सर्वज्ञानी सर्व प्रकाष्ठ हैं और आप सर्वप्रदत्त हैं, अगर आप हमारे इन देवताओं के शस्त्रों को अपने आश्रम में छुपा लेंगे तो ये असुरों की दृष्टि से सदैव बचे रहेंगे और अगर कभी हमें भविष्य में इन शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी असुरों को हराने के लिए तो हम ये शस्त्र जो है आपके आश्रम से उठा लें। तो हे मुनेश्वर, हे दधीचि महाराज, आपको हमारी मदद करनी होगी और ये शस्त्र वहां पर छुपा दें। अब ये बात सुनकर दधीचि मुनि ने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि ठीक है देवताओं, जैसे आपकी इच्छा हो आप ये शस्त्र यहां पर छुपा सकते। अब देवताओं के वहां पर छत्र और शस्त्र छुपाने के उपरांत ये सब जब उनकी पत्नी जो मैंने बताया कि गभस्तभनी थी, उन्होंने ध्यान दिया कि मेरे स्वामी जो है वो असुरों से शायद शत्रुता ले लेंगे क्योंकि वो देवताओं के शस्त्र जो है अपने आश्रम में छुपा लेंगे। तो उन्होंने दधीचि ऋषि को बुलाया और कहा, हे स्वामी एक मिनट मेरी बात सुनिए कि आप ये सही कर रहे हैं कि आप देवताओं के शस्त्र लेकर के अपने आश्रम में रखेंगे तो ऐसे तो हमारे असुर जो है वो हमसे शत्रुता रखेंगे। तो दधीचि ऋषि बोलने लगे कि देवी, अब मैं उनको वचन दे चुका हूं और अगर मैं वचन दे चुका हूं वहां पर शस्त्र रखने का तो अगर मैं पीछे हटता हूं आप कहने से तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरी बात वहां पर खराब हो। तो गभस्तभनी वहां पर चुप हो गई और बोली कि हे मुनीश्वर, जैसा आपको उचित लगे आप कीजिए, तो सदैव दधीचि ऋषि बाहर गए और देवताओं को बोला कि ठीक है आप अपने शस्त्र अस्त्र जो है यहां पर छुपा कर रख दीजिए और मैं आपका आने का, जब आपको शस्त्रों को लेने आएंगे तो मैं आपका आने का इंतजार करूंगा, मुझे हमेशा आपके उसका इंतजार। अब जब बहुत समय बीत गया और मतलब वो समय बीता कि जब दधीचि ऋषि के पास देवताओं ने अपने शस्त्र छुपा दिए और सब देवता वहां से चले गए, लेकिन बहुत समय बाद भी कोई देवता जब वहां पर नहीं आए और दधीचि और उनकी पत्नी जो उनके शस्त्रों को था उन शस्त्रों को संभाल संभाल कर परेशान हो गई, बहुत समय निकल गया। तो दधीचि ऋषि की पत्नी बोलने लगी कि हे स्वामी, देवता तो अभी तक आए नहीं, अपने शस्त्रों को संभाल संभाल कर परेशान हो गए, तो अब क्या किया जाए। दधीचि ऋषि बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ विचार विमर्श करता हूँ कि क्या हो सकता है। फिर क्या हुआ कि गभस्तभनी जो है वो किसी कार्य से एक दिन बाहर गई और दधीचि ऋषि के मन में विचार आया कि इन शस्त्रों को संभाल संभाल कर तो हम परेशान हो गए और देवता अभी तक आए नहीं है इन शस्त्रों को लेने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पवित्र जल को हाथ में लेकर के इन शस्त्रों पर छिड़कता हूँ और उस पवित्र जल को ग्रहण कर लेता हूँ ताकि ये शस्त्र मेरे शरीर के अंदर समाहित हो जाए। दधीचि ऋषि ने ऐसे ही किया और शस्त्रों पर मंत्र पढ़ करके वो जल जो शस्त्र पर छिड़का और वो जल छिड़कने के उपरांत वो जल पी ली। वो जल जब दधीचि ऋषि ने पिया तो उन शस्त्रों की जो शक्तियां थी वह दधीचि ऋषि के रोम रोम में अर्थात उनकी हड्डियों में उनका समावेश हुआ, उनके मांस मज्जा हड्डियों में वो शस्त्र जो है वो छुप गए। अब जब एक समय की बात है कि जब गभस्तभनी जो थी उनकी पत्नी थी वह उस समय गर्भवती थी और गर्भवती होने की वजह से वो शायद अपने घर गई होंगी या मायके में गई होंगी या कहीं भी गई होंगी, देवता जो है वहां पर तत्काल रूप से आश्रम में पहुंचे और दधीचि ऋषि से बोलने लगे कि हे मुनेश्वर महाराज, आप जो हम आपके यहां पर जो शस्त्र छोड़ करके गए थे उन
शस्त्रों को जो है आप हमें लौटा दीजिए, क्योंकि हमें उसकी अति आवश्यकता है, हमें असुरों का वध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए वहां पर जाना पड़ा। अब ये चीज सुनकर जो है दधीचि ऋषि थोड़े हक बक रह गए और बड़ी स्तब्धता से उन्होंने उत्तर दिया कि हे देवताओं, जो आपके शस्त्र मेरे पास सुरक्षित थे वो तो मैंने निगल लिए था अपने शरीर के अंदर। सारे देवता एक दूसरे का मुंह देखें कि यार दधीचि ऋषि तो कुछ भी कर सकते हैं, दधीचि ऋषि तो हमारे शस्त्रों को खा लिया, तो अब क्या किया, उन्होंने तो उनको निकल लिया। तो दधीचि ऋषि से जब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे मुनेश्वर, आप मुझे कुछ रास्ता बताइए कि किस प्रकार से हम अपने शस्त्रों को वापस पा सकते हैं।